नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया न्यूज। मैं नेहा श्रीवास्तव। नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। राहुल मराठवाड़ा क्षेत्र के नांदेड़ और परभणी जिलों का दौरा करेंगे। वह पहले नांदेड़ पहुंचेंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह परभणी के कुछ गाँवों का भी दौरा करेंगे। राहुल परभणी में एक किसानों की रैली को भी संबोधित करेंगे। वह महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में ऋण माफी और किसानों की आत्महत्याओं को लेकर आवाज उठाएंगे। बता दें कि इस साल सूखा प्रभावित मराठवाड़ा क्षेत्र में करीब 100 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, इसलिए राहुल किसानों के ऋण माफी और आत्महत्याओं को लेकर आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अशोक सहित पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के तुर्क वंगम इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने व्यापक रूप से कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन में सेना के 44वीं रैंक राइफल, सीआरपीएफ के 44वीं बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है। पिछले दिनों शोपिया में हिजबुल के दो बड़े आतंकियों को ढेर कर दिया गया था, जिसके बाद आतंकी घाटी में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी बीच सुरक्षा बलों को तुर्क वंगन इलाके में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की खबर भी मिली, जिसके बाद ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के कैजुअल फिशरीज मजदूरों ने अपने अधिकारों और बकाए वेतन की मांग को लेकर कुपवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया है। कैजुअल मजदूरों का कहना है कि महकमे के वरीय अधिकारी उनके साथ दोयम दर्जे का सलूक करते हैं। दफ्तरों में दाखिल होने पर उन्हें फटकारा जाता है। इतना ही नहीं, मजदूरों ने कहा है कि कैजुअल मजदूरों को पिछले 2 से 3 सालों को महकमा वेतन नहीं दे रहा है, जबकि सरकार लगातार वेतन भेजने का दावा कर रही है। मजदूरों का ये भी कहना है कि पिछले 15 सालों से तमाम कैजुअल मजदूर काम कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें नियमित तक नहीं दिया गया। हम इसलिए यहाँ पर धरने पे बैठे हैं कि पिछले 1-2 साल से हमें तनख्वाह वापसदार नहीं की गई है। हम अपने फिशरीज के लेबर यूनियन से वाबस्ता हैं। हमारे ये सारे लड़के हमारे साथ हैं। पिछले 2 साल से हमें तनख्वाह वापसदार नहीं की गई है, जबकि हुकूमत कह रही है कि बार बार हमने तनख्वाह इनके लिए भेजी है, फंड रिलीज किए हैं। फिर कहाँ गए हमारे फंड? अगर दूसरे डिपार्टमेंट में तनख्वाह केजी लेबर को मिल रही है तो हमें क्यों नहीं मिलता है? जबकि केजी लेबर दिन रात चुगनी करके ड्यूटी देता है, टेबल साफ करता है, घास निकालता है, और उसी केजी लेबर को दफ्तर में आने के लिए इजाजत भी नहीं है। उसको दफ्तर में वो सीनियर मुलाजिम रेस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। आखिर क्या हाल है? हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, महबूबा जी से मुतालबा करते हैं कि 61,000 केजी लेबरों का जो मामला है वो जेर गौर जल्दी लाया जाए। और हम केजी लेबर जो आकर किसी पर मजबूर हो रहे हैं, हमारे घरों में 2 वक्त की रोटी भी नहीं पक रही है, चूल्हा नहीं चल रहा है। हम आपसे मुतालबा करना चाहते हैं, आपकी वसादत से, हुकूमत से। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में ओवरलोडिंग और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर एआरटीओ के निर्देश पर सघन जांच अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान कई वाहनों में खामियां पाई गई। 250 से ज्यादा गाड़ियों के चालान काटे गए, जिसमें 2,32,000 रुपए की वसूली भी की गई। इसके साथ 5 सवारी वाहनों को सील भी किया गया। चेकिंग के दौरान माइनिंग के काम में अवैध रूप से लगे वाहनों को भी जब्त किया गया। होता है यहाँ पे चेकिंग रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट की जितने भी वायलेशन होते हैं। आज का तो पर्टिकुलरली हमारे पास कुछ शिकायतें आई है कि यहाँ पे एक्सक्यूशन जो है
जो ट्रैक्टर वैक्टर जो हमने रिस्ट्रिक्ट किया था उनको मार्केट में जाने के लिए, और एक्सक्यूशन जहाँ जहाँ पे इनको जो अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं ये अनएक्सट्रैक्टेड सैंड लेते हैं, बाजरी लेते हैं और डिफरेंट नाला से, उनको हमने बंद कर दिया है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था कि ये तो बंद करने हैं, इसलिए आज का मुहिम जो था पर्टिकुलरली यही जो जो सैंड जो एक्सक्यूशन हो रही है उनके खिलाफ हमने अभी तक डिफरेंट वायलेशन में हमने अभी तक 45। उत्तराखंड के रुड़की जिले के भगवान ब्लॉक में ग्राम प्रधानों का धरना जारी है। हालांकि ग्राम प्रधानों का धरना शांतिपूर्ण होने से ब्लॉक का काम प्रभावित नहीं हो रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 14वें वित्त आयोग के बजट में आधे से ज्यादा की कटौती कर दी है, जिसके विरोध में ग्राम प्रधान आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों ग्राम प्रधानों ने भगवानपुर ब्लॉक कार्यालय पर तालेबंदी कर घंटों प्रदर्शन जारी किया। प्रशासन के वरीय अधिकारियों के आग्रह के बावजूद ग्राम प्रधान डटे रहे, जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देनी पड़ी। इधर धरना में शामिल ग्राम प्रधानों का कहना है कि जब तक उनके मांगों पर सरकार ठोस भरोसा नहीं देती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। मामला ये है, जो हमारी मांग थी वो विधायक जी ने, चौहान साहब ने और सुरेश राठौड़ जी ने और जिला अध्यक्ष साहब ने, जिला वो भी थे कलेक्टर साहब दीपक रावत जी, उन्होंने हम आश्वासन दिया कि आप ब्लॉक का ताला खोल दो और आपको अगर धरना चालू रखना तो रख लो, बाकी आपकी मांग हम आज ही मुख्यमंत्री तक पहुँचा देंगे और इस पर हम उन्हें दबाव भी दिया जाएगा ताकि वे उन्हें आपकी मांग मान लें। तो हमने आज यहाँ का ब्लॉक का ताला खोल दिया है, बाकी धरना। रुड़की में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ठेकेदार से लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। घटना गंगनहर कोतवाली इलाके के रामनगर का है। बताया जा रहा है कि एक लेबर ठेकेदार अपने मजदूरों को वेतन देने के लिए अपनी पल्सर बाइक से साइट पर जा रहा था। इसी बीच कुछ बदमाशों ने रास्ते में रोक कर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद बदमाश उसका पल्सर बाइक और जेब से करीब 8,000 रुपए लेकर फरार हो गए। मारपीट में वो बुरी तरह से जख्मी हो गया, उसके सिर में भी काफी चोटें आई हैं। इधर पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मान रही है। हालांकि पुलिस ने जांच के बाद जल्द ही मामले के खुलासे का दावा किया है। पुलिस को फोन कर रहे थे काफी टाइम से, उधर पुलिस जो है काफी टाइम बाद आई है यहाँ पर, करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची यहाँ पर। मामला क्या हुआ? मामला यहाँ पर लड़की के साथ हत्याकांड हुई है, उसकी साथ जो है बहुत ज़्यादा पीटा उसको, बहुत ज़्यादा उसके सिर में भी काफ़ी चोट है, सिर में भी काफ़ी चोट आ रखी है उसके। क्या क्या ले गए उसके साथ? उसकी जो है गाड़ी ले गई छीन के, उसकी जेब में कुछ पैसे थे वे ले गए हैं छीन के। पुलिस को फोन करें? पुलिस को हमने फोन कराया, फिर काफ़ी टाइम तक खड़े रहे पुलिस वाले पहुँच नहीं पाए यहाँ पर। 9:30 बजे की 1.5 घंटे के बाद पुलिस वाले यहाँ पर पहुँचे, अब यहाँ पर पुलिस आगे पहुँची है। मैं रामनगर से बोल रहा हूँ, लेने के लिए दो लड़के आगरा जिले में इन दिनों चरस और हथियार तस्करी का धंधा जमकर फल फूल रहा है। इस धंधे में वर्चस्व और हिस्से के बंटवारे को लेकर अब हालात हिंसक होने लगे हैं। इसी बीच सदर थाने इलाके में नंदपुर के शमशान के पास दो गुटों में जमकर झड़प और पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि शमशान पर पिछले कई महीनों से चरस और गांजे असलहे के तस्करों का जमावड़ा लगता है, जिसके कारण आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इस बीच नंदपुरा के ही सनी नाम के व्यक्ति से गांजा तस्करों की कहासुनी हो गई। कहासुनी में तस्करों ने सनी की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। दोनों ओर से पत्थरबाजी की घटना हुई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो सभी वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से दो कट्टा और बड़ी मात्रा में चरस और गांजे बरामद किए। जब वो लोग पैसे लेने गए तो उनके साथ मारपीट हुई और उस मारपीट का विरोध मोहल्ले वालों ने किया, लेकिन उस विरोध को श्याम बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने लोगों से मोहल्ले वालों को भी पिटवाया। उसी का आक्रोश आज मोहल्ले वाले यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। थाने पे भी गए थे, वहां से अब यहाँ आ गए, संतोष नहीं हो पा रहे हैं। नेशनल जांच एजेंसी यानी NIA ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल क्यूम को टेरर फंडिंग मामले में समन भेजा है। NIA के समन के खिलाफ श्रीनगर के अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट के बाहर NIA के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। NIA की कार्रवाई को साजिश करार देते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि NIA ने अब्दुल क्यूम को पूछताछ के लिए
दिल्ली बुलाने के बजाय श्रीनगर में भी पूछताछ कर सकती थी। बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों पर हिंसा के विरोध में कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस ने राजधानी श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही प्रेस इनक्लेव से लेकर लाल चौक तक विरोध मार्च का आयोजन भी किया, लेकिन लाल चौक से पहले ही पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के अध्यक्ष फारूक डार ने कहा कि बर्मा दौरे के दौरान मोदी ने मुसलमानों के हत्यारी सरकार के नेता से मुलाकात की, लेकिन मुसलमानों पर अत्याचार की निंदा और न ही पीड़ितों के साथ हमदर्दी जताई। हमारे जितने भी मुसलमान मुल्क है वो देखते नहीं रहेंगे, खड़े हो जाएंगे। और कश्मीर के लोग जहाँ तक इंसानियत का सवाल है, सिर्फ मुसलमानी ने इंसानियत ऊंची है। अगर हम सब इकट्ठे मिलकर हम आएंगे सामने और बर्मा के एक एक फर्क। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से दक्षिण कश्मीर के छात्रों को भारत दर्शन कराने की पहल शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी सत्य प्रकाश ने अनंतनाग जिले के खानबल से झंडा दिखाकर छात्रों के बस को रवाना किया। इस मुहिम में 32 छात्रों को भारत के विभिन्न शहरों और ऐतिहासिक इमारतों की सैर कराई जाएगी, साथ ही वहां की कला, संस्कृति और परंपराओं से भी रूबरू कराया जाएगा। डीआईजी सत्य प्रकाश ने कहा है कि ऐसे पहल से घाटी के छात्रों को भी देश के दूसरे हिस्सों को समझने और पहचानने का मौका मिलेगा, जिससे वो एक नई प्रभावी और व्यापक सोच ईजाद कर सके। इस मौके पर अनंतनाग के SSP अल्तर खान के साथ साथ पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। ये लड़के जो है, ये बहुत से लोग ने आपने जैसे देखा कि ये बाहर जम्मू एंड कश्मीर से बाहर नहीं गए हैं, तो उनके लिए एक अच्छा एक्सपोजर है। बाहर जाएंगे, देखेंगे किस तरह से हमारा सिस्टम कंट्री किस तरह से मूव कर रहा है, तो देख के आएंगे। इसलिए एक अच्छा मूव है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में 18वां जिला स्केल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। शोपिया के विधायक मोहम्मद यूसुफ भट्ट और वागजी के विधायक एजाज अहमद मीर ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप में लड़कों के साथ साथ बड़ी तादाद में लड़कियां भी हिस्सा ले रही हैं। स्केल मार्शल आर्ट्स को जम्मू कश्मीर का पारंपरिक खेल बताते हुए विधायक मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने स्पोर्ट्स के किट की खरीदारी के लिए 4 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। यूसुफ भट्ट ने कहा कि इसके मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के एथलीटों में उम्दा प्रदर्शन करते हुए नेशनल लेवल के प्रतियोगिताओं में कई मेडल पर कब्जा जमाया है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के नौजवान भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना परचम लहरा पाएंगे। मार्शल आर्ट्स का ऑप्शन था 18th डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन, तो यहाँ आके मैं बहुत खुश हुआ। नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने काफ़ी महारत हासिल की है इस स्पोर्ट में, इस ट्रेड में, तो मैं बहुत ही खुश हुआ कि उन्होंने हमारे जिले शोपियां का न सिर्फ स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी अब खेलना शुरू किया है। इसलिए मैं इनका बहुत बहुत जो ये ऑर्गेनाइजर्स है इसके बहुत मशहूर बन रहे हैं उनका कि ये इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है और इस गेम में। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।